रहीम। अच्छा जी, दिन चढ़ गया और मौसम अल्लाह का शुक्र है आज बिल्कुल साफ़ है। तो बाहर के हालात देखते हैं कि रात को इतनी बर्फबारी हुई थी, ऐन पड़ी थी, तो देखते हैं फिर बाहर के हालात, गंदम बची है या नहीं। अभी भी बादल हैं नीचे से। और ना पूरी देखने गए हैं, देख के आते हैं तो फिर पता चलता है। अच्छा जी, अभी भी ये सुराख हैं, देखें ये सारे दाने जो है ना नीचे गिर गए हैं। ये समझे कि सिट्टा जो है ना ये ख़त्म हो गए, दाने सारे नीचे गिर गए हैं। ये देखें ख़त्म हो गई है। ये तो कंदम भाई जावेद की है, ये तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो बस तो फार नीचे सारे दाने जो है ना नीचे गिर गए हैं सारे। अल्लाह माफ़ करे। हाय हाय, ये तो सारी ख़राब हो गई। अच्छा जी, ये गंदम भाई जावेद की अबू जी देखने गए, ये सारी ख़त्म हो गई है। बस ये सिर्फ ना तूड़ी के लिए ये रहता है। ये देखिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये देखे सारे दाने नीचे गिर गए हैं। अब ये बिल्कुल खाली हो गए हैं, ये सिट्टा है ना ये बिल्कुल खाली हो गया, कुछ है नहीं बचा। तो कह रहे हैं अब्बास भाई जावेद कह रहे हैं कि इससे आगे जो है ना यहाँ पे और ज़्यादा नुकसान होगा, उससे आगे तो और भी ज़्यादा ख़राब है। अब देखने गए हैं अबू जी भाई फयाज की अपनी, पता नहीं। अब ये देखिए सिट्टा नीचे गिर गया है, कुछ सिट्टे नीचे गिर गए हैं। देखें ये देखें, इतना सिट्टा जो है बिल्कुल थोड़े थोड़े रह गए, बाकी सारा सिट्टा ख़त्म हो गया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बचाए। ये तो साल भर की मेहनत थी किसानों की, ये तो सारी ख़राब हो गई, दाना सारा नीचे गिर गया है। हाँ जी हाँ जी, बहुत नुकसान हो गया। ते गए अबू जी देखन पट्ठे बचे कि नहीं? अच्छा जी, चारा जानवरों का, बेजुबान जानवर थे इनका चारा, वो भी कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया चारा भी, आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया, मतलब चौथाई हिस्से में से ना, मतलब चौथा हिस्सा बचा, बाकी तीन हिस्से ख़त्म हो गया। तो बस तो फिर ला, और ये देखें यहाँ पे, यहाँ से आप हिसाब लगा लें, ये जो बकैन है दरख्त है इसके पत्ते कितने नीचे गिर गए हैं। देखें सिर्फ बर्फबारी की वजह से, देखें ये सारे टूट के नीचे गिरे, सारे झड़ गए हैं, बाकी नुकसान हो गया काफ़ी ज़्यादा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह आगे माफ़ कर दे, आगे मौसम साफ़ हो जाए। जो किसानों की मेहनत है, चलो बची कुछ जो है ना वो ही उठा ले दाने। Thank you.
बस तुझ दुआ करो मिस्त्री छेती छेती कर करवाऊंगा। पंखा चलाने के लिए अच्छा जी, ये सारी चीज़ उठा के ना तो घसीट के ना डाइनिंग टेबल को बाहर निकालती हूँ। वो चारपाई है ना, उनको भी धूप लगवानी है, तो बाद में इनकी सेटिंग करूँगी। कोई हाल नहीं है। अच्छा जी, ये निकल नहीं रहा हूँ, इसे कैरे से निकलेगा नहीं। उतार करके इसको मतलब ऐसे एक साइड पे करके निकलेगा, उससे कैरे से ये निकलेगा भी नहीं। तो फिलहाल इसको हीटर ही छोड़ते, लाइट भी नहीं है, चलाती हूँ पंखा। यूपीएस तो कम पंखा चला देती हूँ, सूख जाएगी जैसे, तो
फिर वो चाहते हैं हम काल के ना थूक उनको लगवा दिए क्योंकि उनको जंग लग जाए स्टिक की चाट में जंग लग जाए। ऊपर वाले मंजी है ना वो ज्यादा वो खराब है ऊपर वाले नीचे वो नीचे कट
अच्छा जी, सारी सेटिंग साफ सफाई कर ली है। ये देखें, ये डाइनिंग टेबल यहाँ पे आ गया। इसके मैंने कवर जो है ना वो मैंने धो के रखा हुआ है तार के ऊपर, तो वो जो कोड़ी थी वो हमने लगा दी है। तो ये एक चेयर बची है यहाँ पे, ये सोफ़ा, और इसके साथ जो टेबल था ना, टेबल का वो जो शीशा है वो रख दिया वो नीचे चारपाई के ऊपर, और टेबल जो है नीचे लकड़ी का वो हमने चारपाई के नीचे रख दिया है। तो बस इस तरह से कुछ सेटिंग की है। ये देखें, ये चेयर्स जब खाना खाना होगा ना तो ये पीछे का मतलब कर दूंगी। ये चेयर एक जहाँ सोफे के साथ आ गई है, वो जो छोटा टेबल है ना इसका प्लास्टिक का, इसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी दूसरे रूम की भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से भी सारी साफ़ सफाई जो है ना वो की है। तो रही बात ये सराने, एक सिस्टर थी वो कह रही थी कि बुरे लगते हैं ना, क्योंकि मैंने ना इनकी स्का, मैं ये दो अलग से लेके आई थी, मैंने इनकी स्काफ निकाली हुई है। तो जो बेडशीट के साथ है ना वो मैंने पेटे के अंदर रखे हुए, वो इसलिए कि उसमें बड़े मोटे तकिए जाते हैं उसके अंदर, तो फिर वो आवाज़ नहीं लेते। तो ये जो पतले पतले हैं ना, छोटे छोटे, तो ये आवाज़ को पसंद है। फिर मैं दो एक्स्ट्रा कवर लेके आई थी, ये और कलर के हैं, तो आवाज़ से ही लेते हैं, यही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बस थोड़े दिनों की बात है, हम लोग जब बाहर चारपाई रख मतलब बिछाएंगे, बाहर सोया करेंगे ना, तो फिर वो जो मोटे तकिए ना वो इस बेड शीट के मतलब ऊपर चढ़ा के ना, जो इसके कवर हैं उसके ऊपर चढ़ा के, तो फिर वो मैं रख दूँगी इधर। तो ये मैंने की है सेटिंग, साफ सफाई एक दफ़ा कर दी है, तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। देखें, ये आगे से ना काफ़ी जगह जो है ना वो खुली हो गई है।